इवन इफ तुम अपने कोचिंग के टॉपर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम जेईई एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम कोई भी टेस्ट देते हो नॉर्मल कंडीशंस में तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, बट जेईई एडवांस में जब तुम एग्जाम हॉल में घुसते हो तो दुनिया भर की बातें तुम्हारे मन में चल रही होती है कि ये एग्जाम अच्छा जाएगा तो क्या होगा, बुरा जाएगा तो क्या होगा, घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, इतना मेहनत करा है सब कुछ वेस्ट ना हो जाए। और इन सब चक्करों में ना बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें हो जाती है और बहुत लोगों का एग्जाम खराब हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि तुमको सिंगल करेक्ट सॉल्व करना आता है, एमसीक्यू सॉल्व करना आता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करना आता है, बट एग्जाम में पहले किसको सॉल्व करें, किस ऑर्डर में सॉल्व करें, पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री, किसको सॉल्व करने से ज्यादा मार्क्स आने की चांस, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों को कोई बताता ही नहीं। इसका आंसर कहां मिलेगा? आज की इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं एग्जाम हॉल में जाके पेपर को सॉल्व करने का, जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन का गारंटी यहां से यहां तक हो जाएगा। अब इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट्स बोलना शुरू करूं, या तो तुम अभी निकल लो, वीडियो देखो ही मत, या फिर ये मेक श्योर करो कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखने वाले हो, क्योंकि आधे अधूरे पॉइंट्स सुन के अगर तुम जाने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, पहले बता देता हूं। एक चीज को हम पूरे इस वीडियो में ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम हॉल में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो तुम शायद ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे जो कि तुमको पहले बहुत टफ लग रहा था, और अगर कॉन्फिडेंस लो है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे जो कि तुमको अच्छे से आता था तुम्हारे घर पे। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, ओके? तो जो भी पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो इसी को मद्देनजर रखते हुए होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा एग्जाम में हाई रहे। पॉइंट नंबर वन ये है कि तुमको उस सब्जेक्ट को चूज करना है जिसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा कमांड हो। किसी का मैथ्स अच्छा है तो तुम पहले मैथ्स बनाओ, किसी का फिजिक्स अच्छा है तो पहले फिजिक्स बनाओ, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है तो वैसे ही फिर केमिस्ट्री बनाओ। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया किसी टीचर ने कि भाई मैथ्स पहले अटेम्प्ट करते, ये होता है नहीं। तुम्हारा जो स्ट्रांग है उसको पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर तुम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, और जहां एक बार कॉन्फिडेंस हाई हो गया वो तुमको पूरे एग्जाम में दिख जाएगा। पहला ही क्वेश्चन बना रहे हो जाके मैथ्स का, मैथ्स आता ही नहीं है, नहीं बना बस खत्म, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब तो हो गया, वही बोरिया बिस्तर उठा के घर निकल लेना, ठीक है? अब तुम बोलोगे भैया मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करूंगा, बट केमिस्ट्री के पेपर में भी तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है, मैच द कॉलम है, साथ साथ इंटीजर टाइप है, किसको पहले अटेम्प्ट करें। तो यहां पे मैं आता हूं पॉइंट नंबर टू में, एंड यहां पे भी हम सेम लॉजिक फॉलो करेंगे कि जो सबसे इजी तुमको पढ़ रहा है तुम उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो। अब जनरली जो ईज ऑफ ऑर्डर है क्वेश्चंस का वो तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है, सबसे इजी होता है सिंगल करेक्ट, ओके? मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शंस होंगे बट तुम्हारा एक ही करेक्ट होगा और दो तीन लाइन के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा होता है सिंगल करेक्ट बट विद पैराग्राफ, इसमें क्या होता है कि तुमको एक पैराग्राफ दिया होता है एंड उस पैराग्राफ से तीन तीन चार चार क्वेश्चन होते हैं एंड हर क्वेश्चन के तीन चार ऑप्शंस होते हैं और हर क्वेश्चन में चार ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है। इसके बाद होता है मैच द कॉलम टफ और उसके बाद टफ होता है मल्टी करेक्ट, क्योंकि तुमको यहां पे क्वेश्चन एक है, ऑप्शंस चार है और हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है कि तीन सही हो सकता है दो सही हो, तो ये उसके बाद टफ होता है। और सबसे टफ जो मैं मानता हूं वो होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि तुम्हारा आंसर जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो बहुत ही एक बड़ा स्पेक्ट्रम है तुम्हारे आंसर का, इसलिए वो सबसे टफ मैं मानता हूं। तो तुमको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम्हारी स्क्रीन पे तुमको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ताकि तुम सबसे इजी वाले को सबसे पहले सॉल्व करो एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री में, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको केमिस्ट्री ही सॉल्व करना है, तुमने ये भी डिसाइड कर लिया कि केमिस्ट्री में भी सबसे पहले सिंगल करेक्ट को तुमको अटेम्प्ट करना है, तुम सिंगल करेक्ट को लेकर बैठे हो, बट अब सिंगल करेक्ट को भी मैं अगर देखूं तो उसमें 10-15 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, राइट? मतलब 15 क्वेश्चन है, उनको सबको सॉल्व करना है, तो किसको मैं पहले अटेम्प्ट करूं, क्या करूं? पहली चीज जो तुमको करनी है ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम जब पेपर लेके बैठते हो तुम पहला क्वेश्चन देखते हो तुमसे नहीं बनता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि सिंगल करेक्ट वाला जो टाइप है उसका भी जो पहला क्वेश्चन वो एक ऐसे टॉपिक से जो तुमको आता ही नहीं है, तो उसको तुम जैसे अटेम्प्ट करने जाओगे तुमसे नहीं बनेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि तुम्हारा 1 से 15 सिंगल करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले तुमको उसको सरसरे ही निगाहों से देखना है और ऐसे जो भी क्वेश्चन है जो कि उन टॉपिक्स है जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि तुमने नहीं पढ़ा है, तुम उसको क्रॉस कर दोगे पहले ही या मार्क कर दोगे किसी अलग तरीके से कि भैया इन क्वेश्चंस को मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम उसको अटेम्प्ट करने जाओगे, तुमने उसको ठीक से पढ़ा नहीं होगा एंड तुम्हारा गलत हो जाएगा, तुमसे बनेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। दूसरा आता है मॉडरेट, मतलब आता भी है नहीं भी आता है श्योर नहीं है, ठीक है? तो उसको कुछ अलग तरीके से मार्क कर दो एंड वैसे जो भी क्वेश्चन है तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुमको पता ऑन द स्पॉट में बनाऊंगा बन जाएगा, सबसे पहले उसको बनाना है। मैंने इनिशियली एक चीज और बोल दिया था, सरसर ही निगाहों से देखना, ये नहीं कि भाई उसी में पहले सेलेक्ट करने में ही रख गए हैं कि अच्छा ये बनेगा नहीं बनेगा, आधा घंटा बीत गया सेलेक्ट ही कर रहे हैं कि किसको अटेम्प्ट करेंगे, ये सब फालतू चीजें नहीं। थोड़ा आराम से सरसर ही निगाहों से बोला, मतलब ऊपर से नीचे थोड़ा देखना, चाहिए नहीं बनेगा चाहिए बनेगा, ठीक है? हर बनाना में नहीं, मतलब बहुत एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, मैं सारी चीजें एक साथ बोल रहा हूँ, हर बनाना भी नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, बीच का एक देखना उसके अकॉर्डिंग करना एंड सबसे इजी वाले को जो तुम्हारे अच्छे से आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है? अब जो पैराग्राफ वाले सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनका एक अलग ही फीसटिंग चल रहा होता है। उसमें क्या होता है कि तुमको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, उस पैराग्राफ से रिलेटेड तीन क्वेश्चन है, ओके? होगा ये कि हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन उसमें से एक ही ऑप्शन सही है, बट कई बार क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा तेज बनते हैं, पहले क्वेश्चन को नहीं बना के थर्ड क्वेश्चन को बनाने लग जाते हैं, उनको आदत होता है पीछे से शुरू करेंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें ये फालतू चीजें नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कई बार ये ट्रिक फॉलो की जाती है कि तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो कहीं ना कहीं तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना, रैंडम मत चीजें करना, हर
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारा उस क्वेश्चन का जो भी चीज दी हुई है उसका अप्रोच तुम सही लगाओ, रैंडम गलतियां ना करो। नाउ आता है मैच द कॉलम। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बचपन से करते आ रहे हो, आता है तो बनेगा, नहीं आता तो फिर नहीं बनेगा। बट इसके बाद जो आता है वो होता है मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या हो जाता है कि तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके चार ऑप्शन है एंड चारों के चारों भी सही हो सकते हैं, तीन सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, सही होता है। तो इस केस में तुमको क्या करना है ना, कि पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि एडवांस में नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बात ही खत्म, क्योंकि पार्शियल मार्किंग भी होता है, तो बहुत सारी चीजें। बट अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, पार्शियल मार्किंग भी है, तुमको बहुत स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहां पे ऐसे काम करता है कि मान लो कि तीन ऑप्शन सही है, तुमने ऑप्शन नंबर वन को टिक मार दिया और मान लेते वो क्वेश्चन तीन नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग माइनस टू है, क्वेश्चन नंबर वन को तुमने ए ऑप्शन को टिक मार दिया तो तुमको एक नंबर मिल जाएगा क्योंकि पार्शियल मार्किंग है। तुमने बी को टिक मार दिया, वो भी सही ऑप्शन था, तुमको दो नंबर मिल जाएगा। तुमने सी को भी टिक मार दिया, तुमको तीन मिल जाएगा। तुमने क्या किया दूसरे केस में कि सी को टिक नहीं मारा, तो क्योंकि पार्शियल मार्किंग है इसलिए तुमको दो ही मिलेगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ए और बी को तो मारा लेकिन सी जो कि सही था उसको नहीं मार के डी को मार दिया, तुमको पता कितना मिलेगा, माइनस टू। इवन दो तुम्हारा ए और बी सही था, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग काउंट होता है। ऐसा नहीं हुआ कि टू मिल गया माइनस टू, टू माइनस टू जीरो, नहीं। तो इसीलिए वहां पे तेज मत बनना। तुम अगर श्योर हो उस ऑप्शन के बारे में तो पार्शियल मार्किंग लेके निकल लेना, ठीक है। जहां भी डाउट है थोड़ा बहुत, ओवर स्मार्ट मत बनना, वरना लेने के देने हो जाएंगे, उस एक नंबर के चक्कर में माइनस टू लेके जाओगे। तो इसीलिए जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ध्यान से खेलना है। तरीका जो मैं फॉलो करता था, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फॉलो करते हैं, इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए सारे मेरे पॉइंट्स नहीं है, बहुत सारे दोस्तों से पूछ पाछ के बना रहा हूं, बहुत सारी चीजें करके बना रहा हूं, जो चीज हम फॉलो करते थे वो ये था कि हर ऑप्शन को पढ़ने के बाद पैराग्राफ को फिर से गो थ्रू करते थे, देखते थे क्या लॉजिक बन रहा है। कई बार वहां पर भी ऐसा होगा, जैसे कि मैंने पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में बताया कि आपस में ऑप्शंस भी लिंक्ड होंगे, कि इसके बेसिस पे ये होगा, उसके बेसिस पे ये होगा। तो इंडिविजुअल भी देखना उस ऑप्शन को, पर्टिकुलर ऑप्शन को, और साथ में आपस में रिलेट करके भी देखना एंड सोच समझ के देखना कि क्या होता है। रैंडम चीजें मत करना एंड लालच में ज्यादा टिक मारने के चक्कर में मत आना, वरना जैसा मैंने बताया पार्शियल मार्किंग भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग लेके चले जाओगे। यहां पे एक और चीज ध्यान रखना कि जनरली क्या होता है ना, जब सिंगल करेक्ट होता है ना तो एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। यहां ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको काट दो, ये वाला होगा, अच्छा ये भी नहीं है तो ये वाला होगा। बट मल्टीपल करेक्ट जब आए जिसमें कि चार में से चार ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो वहां पे ये एलिमिनेशन मेथड मत लगाना, क्योंकि वहां पे तुमको रियलाइज होगा कि आपस में ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। कई बार क्या होगा कि जब तुम इस ऑप्शन को अकेले अकेले पढ़ोगे तुमको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता, बट कहीं ना कहीं कुछ उसके पहले वाले में दिया होगा जिसके रिलेशन से ये हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर तुमने इनफ पेपर सॉल्व किया तुम समझ जाओगे, नहीं किया तो जाके करो। अब इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी पे 14,000 से भी ज्यादा लर्नर्स ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड 1538 लोगों को 99% एंड अबव आया है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द रैंकर्स। अब तुम्हारे लिए जो कि अनअकैडमी का अब तक यूज नहीं कर रहे थे, 25 ऑफ दिस मंथ यानी कि आज से तीन न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। पहले बैच का नाम है इमर्ज बैच, जो कि उनके लिए जो कि आईटी जेई मेंस एंड एडवांस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरे बैच का नाम है एंकर 2.0 बैच, जो कि उनके लिए जो कि जेई मेंस एंड एडवांस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि ड्रॉपर्स हैं। और तीसरे बैच का नाम है योग्य बैच, जो कि उनके लिए जो कि जेई मेंस एंड एडवांस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ड्रॉपर्स हैं। तो बेसिकली एंकर 2.0 बैच और योग्य बैच दोनों ही ड्रॉपर्स के लिए जो कि जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों में टीचर्स अलग अलग हैं, तो अपने हिसाब से देख लो तुमको क्या सूट करता है, उसके बेसिस पे बैच ज्वाइन कर लो। अब बैच ज्वाइन करने के लिए तुमको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। नॉर्मल डेज में तुम अगर मेरा कोड NOVAFAM यूज करते हो तो तुमको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट अभी उनका एक अमेजिंग ऑफर अनलॉक 20 चल रहा है, जो कि कल रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, जहां पे तुमको उनकी सब्सक्रिप्शन पे मेरे कोड को यूज करने से 10% नहीं बल्कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कोड है NOVAFAM, यूज इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी राइट नाउ। और लास्टली एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज है दैट आशीष अरोड़ा सर, उन्होंने अपना एक न्यू चैनल लॉन्च करा है तुम्हारे लिए जो कि ITJEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहां पे जाओ एंड अच्छे से आराम से फ्री में पढ़ाई करो, कोई पैसे वैसे नहीं करते, क्योंकि YouTube चैनल है एंड अमेजिंग लेक्चर्स एंजॉय करो आशीष अरोड़ा सर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है बट प्लीज इसको हल्के में मत लेना। बिना क्वेश्चन किए फिगर देख लिया, अरे ये तो मुझे आता है भाई, एडवांस का एग्जाम है वो, हर साल क्वेश्चन चेंज करते हो, तुमको एग्जैक्ट वही अच्छी वर्मा वाला फिगर दे देंगे, वहां पे कुछ चेंज कर देंगे, तुम बोलोगे अरे ये तो गलत हो गया, घर आके पता चलेगा। क्वेश्चन को एकदम खुले दिमाग से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करने जाना है। एंड ऑब्वियसली अगर वो नॉन नेगेटिव क्वेश्चन है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट जरूर करके आना, ये नहीं कि भाई आता ही नहीं है तुक्का मार देना भाई, क्या पता लग जाए। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब तुम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, उन टॉपिक्स का जो कि तुम्हारा स्ट्रांग था, तब तुम फिर से क्वेश्चन को गो बैक करना एंड तब जाना उन टॉपिक्स पे जो कि तुम्हारा वीक था, जिसको कि तुमने मार्क करके रखा था, हाँ भैया इससे शायद नहीं बनेगा, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, अब जाके अटेम्प्ट करोगे, ताकि तुम्हारे पास टाइम बचा रहे, तुम्हारे पास घबराहट ना हो कि हाँ तुमको पता कि हाँ जितना मैंने बनना था मैंने बन गया, अब बाकी मैं थोड़ा सा देखता हूं कितना और बन सकता है। ओके, तो इसीलिए वो मार्किंग हमने शुरू में करा था, जिसका फायदा हम लास्ट में उठाएंगे। लास्ट बट द मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आई नो कि तुम्हारा एडवांस का जो दो पेपर होता है वो 3-3 घंटे का होता है, बट तुमको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये करना है, मन में ये लेके जाना है कि तुमको उस पेपर को 3 घंटे में नहीं बल्कि 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। 2.5 घंटे लेके चलोगे तब जाके आधा घंटा लास्ट में जो बचेगा उसमें तुम जाके फिर से रिवाइज कर सकते हो, उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो जो कि तुमको बिल्कुल नहीं आता था या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता था, क्या पता तुमसे बन जाए। नाउ जो तुम्हारे पास 2.5 घंटा है उसमें अटेम्प्ट कैसे करना है, वहां पे हम सॉल्व करने से पहले एक टेक्निक अप्लाई करेंगे जो है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, तुमको अपने पूरे टास्क को ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है और हर हिस्से के लिए एक टाइम अलॉट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो करता था ना, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो मेरा डिसाइडेड था कि 2.5 घंटे में मैं सबसे कम टाइम केमिस्ट्री को दूंगा क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग है वो। तो 2.5 घंटे का आधा घंटा मैं केमिस्ट्री को देता था, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा फिजिक्स को देता था। अब जो आधा घंटा है उसमें भी केमिस्ट्री का पूरा पेपर है, केमिस्ट्री का पूरा पेपर आधा घंटा में करना है, तो वहां पर फिर मैं टेक्निक अप्लाई करूंगा कि उस आधे घंटे को भी ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। अब क्योंकि एडवांस है तो क्वेश्चन में क्या आने वाला है तुमको पता नहीं है, हो सकता है कि एमसीक्यू आई ना, पैराग्राफ आई ना, कुछ भी, मतलब पैटर्न तो हर साल अलग होता है ना, तो तुमको एग्जाम हॉल में बैठ के तुरंत फटाक से देखना होगा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंगल क्रेडिट को इतना टाइम दूंगा, इतना मिनट दूंगा, 10 मिनट दूंगा, मल्टी क्रेडिट को 10 मिनट दूंगा, बचा 10 मिनट उसमें से 5 मिनट इंटीजर टाइप को दूंगा, 5 मिनट से दूंगा, ऑन द स्पॉट तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि तुम किसी भी एक टाइप पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, समझ रहे हो। अब तुम सिंगल क्रेडिट करने के लिए बैठे हो, तुमने दिल से लगा के बैठ लिया, भाई ये तो बना के ही छोड़ेंगे यार, ये कैसे नहीं बनेगा, ये तो मेरे टीचर ने कराया था, मतलब आधा घंटा केमिस्ट्री को खत्म करना था, आधा घंटा में सिर्फ सिंगल करेक्ट ही दिए जा रहे हैं, भाई टाइम पास करने हैं, ब्रह्मास्त्र मूवी चल रही है यहाँ पे। अब देखो ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये तो मतलब करना ही करना है, इसके साथ कुछ बोनस पॉइंट्स है जिसका ख्याल तुमको दिमाग में रखना है। वो दिमाग में ये रखना है कि एग्जाम हॉल में समय से पहले पहुंचने की कोशिश करना, फालतू का टेंशन तुमको एग्जाम हॉल में चाहिए क्या, नहीं ना, सेंटर पे ना बहुत पहले पहुंचने की कोशिश करना। मेरे मेंस की स्टोरी है, मैंने इसी चैनल पर डाली थी कि भाई मैं मेट्रो के सहारे था एंड मेट्रो में इतनी भीड़ थी उस चक्कर में मैं ना एग्जैक्ट एकदम ऑन द पॉइंट पहुंचा था एग्जाम हॉल में, एंड उसके चक्कर में इतना पैनिक हुआ था मेरे को, मैं बता नहीं सकता। तो प्लीज एग्जाम हॉल पे समय में पहुंचना बिना किसी ड्रामा के, चीटिंग फिटिंग मत करना, एडवांस का एग्जाम है, करियर भर जिंदगी भर रहोगे चीटिंग फिटिंग पकड़ा गया तो करते हुए, तो प्लीज मत करना, ठीक है। चीटिंग काम भी नहीं आएगा, एडवांस का पेपर है भाई, सामने वाला भी गलत कर रहा होगा, तो चीटिंग नहीं, ठीक है। पानी वानी खाना पीना सब लेके रखना, एग्जाम के बीच का गैप होगा उस गैप में प्लीज अगर हो सके कि घर के बगल में रहते हुए या फिर वहां पे पहुंचे सो जाना, क्योंकि दिमाग को शांत करना जरूरी है। फालतू चीज मत करना एग्जाम हॉल से निकले नहीं कि अरे कितना इसका सही आंसर क्या है, ये वाला अच्छा है, अरे भाई अगला पेपर देना है कि नहीं देना है, अगला पेपर दे देना, फिर बैठ के मिलाते रहना दुनिया जहान से, अभी नहीं आई। एग्जाम हॉल के बीच में जो गैप मिलेगा एग्जाम के बीच में, तो एग्जाम के बीच में उसमें खाना पीना खाना है, चिल करना है, आराम से रहना है, किसी से बात मत करना, मम्मी पापा पूछे कैसा गया बोलना कि AIR 1 आने वाला है, तुमको कोई टेंशन ही नहीं लेना उस बीच, ठीक है। अपने आप से बात करो बस, हाँ ठीक है जो है सो है, अगला पेपर में फोड़ना है, ठीक है ये करना है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो कि इस साल जे एडवांस देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने बता दिया, तुमने लास्ट वाली वीडियो में मेरे से ये रिक्वेस्ट करा था कि मैं तुमको ये बताऊं कि मेमोराइज कैसे करना है चीजों को, तो बताते हैं, उस पर भी वीडियो लाते हैं, और जिस जिस टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, एडवांस रिलेटेड, मेंस रिलेटेड, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट मैं जल्द करने वाला हूं, अभी नहीं जल्द करते हैं, जरा सब्र करो, बट कमेंट जरूर करके जाना, लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। चलता रहे जो चाहे रोके डोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे जो है सपने।